The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act 2002, SARFAESI Act 2002, short में. First answer है functioning of ARC or process or definition of securitization. देखो, borrower है एक, जिसको हम obligor बोलेंगे. Borrower ने एक loan लिया है from the originator. जो बैंक या FIA, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम ओरिजिनेटर बोलेंगे, उसने लोन दिया है और इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस. एंड ये जो ऑब्लाइजर है उसने सामने कोई तो भी एक सिक्योरिटी रखी रहेगी, एनी टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट. ये जो बैंक है, ये जो लोन है, पूरा का पूरा लोन रिसीवेबल जो है वो बेच देगा. इट विल सेल द लोन टू एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बिकॉज ये जो लोन है वो अब बैड लोन या एनपीए बन चुका है. ठीक है, जैसे ही ये एआरसी को बेचता है, एआरसी विल गिव सम कैश टू द बैंक. अगर ये लोन 60 लाख का है तो कैश शायद 40 लाख का मिलेगा, मतलब लेसर देन द एक्चुअल वैल्यू. एंड ये जो सिक्योरिटी था, प्रॉपर्टी या शेयर्स वगैरह जो बोरोवर ने ओरिजिनेटर के पास रखा था गिरवी, अब वही सिक्योरिटी गिरवी किसके पास हो जाएगा, इट विल बी विद द एआरसी. तो एआरसी विल हैव द राइट इन दैट सिक्योरिटी. सर, एआरसी के पास पैसा किधर से आया? तो एआरसी के पास है ना, कैश आया है क्वालिफाइड बायर्स से. दीज आर इन्वेस्टर्स. क्वालिफाइड बायर्स को उन्होंने इन एक्सचेंज ऑफ कैश क्या दिया है? सिक्योरिटी रिसीट्स. सिक्योरिटी रिसीट्स याद होगा तो इसका नेचर जो होता है, इट इज लाइक अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी और अ डेट सिक्योरिटी, जस्ट लाइक योर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड उसके ऊपर उसको पीरियोडिक पेमेंट्स या इंटरेस्ट मिलता रहता है. ओके, तो ये था एग्जाम्पल. हमने फॉर योर इन्फॉर्मेशन पढ़ा था कि कौन से पार्टीज को क्या क्या एडवांटेज है, ये सिलेबस में नहीं है. तो बैंक को क्या क्या है? बैंक को ना अपफ्रंट कैश मिलता है एंड उसका जो टाइम है वो बच जाता है. ठीक है, तो टाइम मेनली यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज टाइम है. टाइम बच जाएगा, एनपीए शायद रिकवर हो ना हो, बहुत टाइम लगे, उससे बचने के लिए आज अपफ्रंट कैश मिल गया. एआरसी को क्या बेनिफिट है? एआरसी को माल्या से 10 मिल रहा है, बोरोवर से 10 मिल रहा है, एंड सामने वो क्यूबी को 9 दे रहा है. तो देयर मिडिल में जो भी 1% बच रहा है, दैट इज इट्स प्रॉफिट. ऑल्सो एक एसेट 60 लाख का था, वो उसको 40 लाख पे मिला. एंड क्यूबी को क्या है? तो फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उसके लिए एक गुड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो फिक्स रिटर्न्स देता है. तो कभी कभार क्वालिफाइड बायर्स को ये इन्वेस्टमेंट्स भी पसंद आते हैं. ओके, फिर सेक्शन 1 से हमने शुरू किया था. सरफेसी एक्ट 2002 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड इट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 21st जून 2002. फिर सेक्शन 2 में बहुत सारे डेफिनेशंस थे. फर्स्ट डेफिनेशन वाज ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसमें लोन, एडवांस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट और एनी अदर क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड बाय अ बैंक और एफआई, ये आता है. एंड लेटर ऑफ क्रेडिट में, अगर आपको याद है तो, लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ गारंटी बाय अ बायर्स बैंक टू अ सेलर्स बैंक, नॉर्मली इन एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन. ओके, फिर एआरसी क्या था? तो एआरसी वॉज बेसिकली अ कंपनी रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन या तो सिक्योरिटाइजेशन. फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन था. एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो बेसिकली इट इज एक्विजिशन ऑफ अ राइट और इंटरेस्ट ऑफ एनी बैंक और एफआई इन एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से इट इज द राइट और इंटरेस्ट ऑफ अ बैंक इन एनी लोन. तो बेसिकली इट इज अक्वायरिंग दैट राइट. तो कौन अक्वायर कर रहा है? इट इज द एक्विजिशन इज बाय एन एआरसी for the purpose of realizing such financial assistance. So asset reconstruction ka purpose kya hai? To buy an asset and usko realize karwana hai ya recover karwana hai, vasooli ka danda. Next, financial asset. Financial asset means any debt or receivables and it will include the following 5. So any debt secured by mortgage or charge on immovable ya mobile property ya to hypothecation or pledge of mobile property, basically koi bhi type ka secured debt jo hoga wo. या इट विल इंक्लूड राइट और इंटरेस्ट इन अ सिक्योरिटी अंडरलाइंग अ डेट. याद करो, एक एआरसी ने अगर दूसरे एआरसी को सिक्योरिटी रिसीट्स इशू किया तो इवन दैट विल बी नोन एज अ फाइनेंशियल एसेट. तो बेसिकली एक एआरसी दूसरे एआरसी का सिक्योरिटी रिसीट्स भी बाय कर पाएगा. नेक्स्ट, राइट और टाइटल और इंटरेस्ट इन अ टैंजिबल एसेट गिवन ऑन हायर और लीज. याद करो, टाटा मोटर्स वाला एग्जांपल देखा था हमने. टाटा मोटर फाइनेंस कंपनी ने टाटा
एक कोई भी एक कस्टमर को टाटा की कोई तो भी गाड़ी दी लोन पे एंड सिक्योरिटी में वही गाड़ी रहेगी, एंड ये बंदा जो बोरोवर है जिसने गाड़ी लोन पे लिया है उसने ओला के ड्राइवर को रेंट पे दे दिया, तो वो भी टाइप का लोन यहाँ पर कवर हो जाता है। और एनी इंटेंजिबल एसेट दैट सिक्योर्स द ऑब्लिगेशन टू पे एनी अनपेड अमाउंट, मतलब जो हमने इनिशियल एग्जाम्पल देखा ना आज, उसका इनटेंजिबल एसेट होगा इंस्टेड ऑफ टेंजिबल एसेट, तो भी वो क्या होता है फाइनेंशियल एसेट में फॉल होता है। तो अगर कोई पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट को अगर उसने गिरवी रखा होगा एंड दैट इज मेकिंग हिम ऑब्लाइज्ड टू पे द लोन, तो वो भी फाइनेंशियल एसेट है। और एनी क्रेडिट प्रोवाइडेड टू एनेबल द बोरोवर्स टू अक्वायर द टीए और आईटीए, मतलब आप किसी बोरोवर को पैसा देते हो उसके बाद वो एसेट खरीदने वाला है, तो इवन दैट लोन कैन बी अ फाइनेंशियल एसेट। फिर कोई भी ऐसा लोन जिसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन डेट या प्रॉपर्टी है, जैसे ट्रस्ट का एग्जाम्पल हमने देखा था, ट्रस्ट एंड उसका जो माइनर पोता या पोती था, तो माइनर पोता या पोती जो है इट इज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर, तो वो जो प्रॉपर्टी अगर गिरवी रहा दैट इज नोन एज कि ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें किसी का बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो, इवन दैट इज अ फाइनेंशियल एसेट एंड इट विल इंक्लूड फाइनेंशियल असिस्टेंस एज डिस्कस्ड इन पॉइंट ए अबव। सर हमने ये वाला पॉइंट क्यों पढ़ा फाइनेंशियल एसेट का, बिकॉज ओनली अ फाइनेंशियल एसेट कैन बी सिक्योरिटाइज अक्वायर्ड और ट्रांसफर्ड अंडर सरफेसी एक्ट, मतलब अगर एआरसी को कोई भी ऐसा लोन बाय करना है या दूसरे एआरसी को बेचना है ट्रांसफर करना है तो फाइनेंशियल एसेट के डेफिनेशन में वो फॉल होना ही चाहिए। नेक्स्ट फिर आता है क्यूबी का डेफिनेशन, क्वालिफाइड बायर्स कौन कौन होते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एआरसीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एनआईआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फिर एसएफसी स्टेट फाइनेंस कॉर्प एंड एसआईडीसी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फिर डेट का भी एक डेफिनेशन था, डेट का डेफिनेशन ऐसा लिखा है, द डेट इज डिफाइंड एज पर द आरडीडी बीएफआई एक्ट 1993 एंड इट विल इंक्लूड द फॉलोइंग। याद करो जो भी हमने फाइनेंशियल एसेट पढ़ा ना उसका थर्ड पॉइंट, वो फ्लो चार्ट का जो थर्ड पॉइंट था ना वो यहाँ पर इंक्लूड किया है, इट विल इंक्लूड एनी अनपेड पोर्शन ऑफ परचेज प्राइस ऑफ एनी टैंजिबल एसेट गिवन ऑन हायर और लीज, जैसे टाटा मोटर्स वाला, और एनी इनटैंजिबल एसेट दैट सिक्योर्स द ऑब्लिगेशन, जैसे पेटेंट या कॉपीराइट को आपने सिक्योरिटी रखा रहेगा, और एनी क्रेडिट प्रोवाइडेड टू एनेबल द बोरोवर्स टू अक्वायर एनी टीए और आईटीए। ठीक है, तो ऊपर जो एग्जांपल्स थे वही के वही सेम यहां पर देखेंगे, दैट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डेट। फिर डिफॉल्ट का क्या डेफिनेशन होता है, तो डिफॉल्ट का डेफिनेशन ऐसा है कि इट इंक्लूड्स नॉन पेमेंट ऑफ एनी डेट टू अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि सरफेसी जो है इट इज मेनली फॉर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अपॉन विच द अकाउंट ऑफ द बोरोवर इज क्लासिफाइड एज एनपीए, दैट इज आफ्टर 90 डेज ऑफ रिमेनिंग अनपेड। तो एक केस स्टडी में था 60 डेज अगर अनपेड होगा तो वो एनपीए नहीं हुआ है, तो सरफेसी वोंट अप्लाई। इसके साथ एक और नॉन पेमेंट कंसिडर होता है, नॉन पेमेंट ऑफ एन अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू अ डेट सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स वगैरह, आफ्टर अ 90 डे नोटिस गिवन टू द बोरोवर बाय द डिबेंचर ट्रस्टी, जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे काम करता है ना डिबेंचर ट्रस्टी, वो बोरोवर को नोटिस भेजेगा 90 डेज का। तो बेसिकली दोनों केस में, डिफॉल्ट के ये वाले केस में या डेट सिक्योरिटी के केस में, 90 डेज का तो एक बफर मिलने ही वाला है, तो 90 डेज तक अनपेड है तो एनपीए हो गया, 90 डेज का नोटिस है उतने के अंदर पे नहीं हुआ तो वो डिफॉल्ट में माना जाएगा। What are the conditions के ये जो default है वो सरफेजी में applicable हो जाए, तो सरफेजी अगर apply करना है तो there has to be a debt, default, NPA, financial asset and a secured creditor, ये पांचों all conditions satisfy करना है, अगर ये पांचों के पांचों applicable है आपके case में तो क्या हो जाएगा सरफेजी applicable, otherwise not applicable। Next सेक्शन 3 रजिस्ट्रेशन ऑफ एआरसी हमने पढ़ा था, एआरसी को रजिस्ट्रेशन कौन देने वाला है, पहली बात तो आरबीआई देने वाला है, एंड ये आरसी क्यों चाहिए, तो देखो फर्स्ट पॉइंट, एन एआरसी कैन कमेंस द बिजनेस ऑफ एसेट एस रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द आरसी फ्रॉम आरबीआई एंड हैविंग एनओएफ नेट ओन फंड ऑफ 100 करोड़ और मोर। याद करो फॉर योर इन्फॉर्मेशन बताया था आरबीआई का एनओएफ क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स माइनस अक्यूमुलेटेड लॉस माइनस डेफर्ड रेवेन्यू माइनस इनटैंजिबल एसेट माइनस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी माइनस लोन टू सब्सिडरी, ये करके एनओएफ आता है। तो अगर आपके पास नेट ओन फंड तगड़ा है 100 करोड़ और मोर तो ही हम आपको क्या देंगे सर्टिफिकेट देंगे एंड यू कैन कमेंस द सिक्योरिटाइजेशन बिजनेस। फिर कंडीशंस है कुछ कंडीशंस बाय द आरबीआई, अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ही आपको आरसी मिलेगा। पहला, नो लॉसेज इन एनी ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स,
ARC has made adequate arrangements. किसके लिए arrangement किया है? For realization of these financial assets. जो उसने bad loans buy किए हैं, उसको realize करने के लिए क्या उसके पास proper adequate arrangement है? And for periodic payment to the QBs. For example, interest. Interest payment के लिए क्या adequate arrangement है? अगर है, तो उसको RC मिलेगा. फिर directors should have a professional experience in finance, securitization and reconstruction matters. And must not be convicted for any offense involving moral turpitude. Serious वाले offenses में कोई भी conviction नहीं होना चाहिए. फिर sponsor के लिए तो sponsor should be a fit and proper person as per RBI rules. Who is a sponsor? Sponsor is a shareholder of ARC holding at least 10% equity. And it should comply with all the RBI prudential norms. कोई भी type का rules वगैरह लाता है तो वो उसको follow करना है time to time. अगर ये condition satisfy किए तो उसको क्या मिलेगा? RC मिल जाएगा. फिर आरबीआई के पास पावर है, इट शैल एक्सेप्ट द एआरसीज एप्लीकेशन फॉर आरसी इफ ऑल द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, या तो इट शैल रिजेक्ट इफ अदरवाइज. मतलब कोई भी कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा आफ्टर गिविंग रॉबिनहुड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. नेक्स्ट, वंस एन एआरसी इज रजिस्टर्ड विद द आरबीआई, इट विल नीड प्रायर अप्रूवल. कौन सी चीज के लिए? तो इफ देयर इज एनी सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एनी डायरेक्टर, एमडी और सीईओ. अगर ये करना है तो पहले प्रायर अप्रूवल लो. एंड नेम चेंज करना है या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो प्रायर अप्रूवल लगेगा. सर व्हाट इज सब्सटेंशियल हियर? सब्सटेंशियल वो होगा जो आरबीआई डिसाइड करेगा, मीनिंग आरबीआई शुड डिसाइड वेदर द चेंज इज सब्सटेंशियल और नॉट एंड इट्स डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द एआरसी. फिर सेक्शन 4 देखा था हमने, कैंसिलेशन ऑफ आरसी. आरसी कभी कभी कैंसिल हो सकता है. तो देखो, आरबीआई में कैंसिल द आरसी ग्रांटेड टू द एआरसी इफ इट सीजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन और इट सीजेस टू रिसीव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द क्यूबी. या तो धंधा बंद हो गया या तो इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, या इट फेल्ड टू कंप्लाई विद ऑल द कंडीशन अंडर सेक्शन 3 और एनी अदर कंडीशन जिसके बिहाफ पे, जिसके बेसिस पे ये आरसी ग्रांट हुआ था. कोई भी टाइप का कंडीशन अगर ये कंप्लाई नहीं करता तो आरबीआई सीधा सीधा फाड़ देगा आरसी उसका. फिर और भी है, फेलियर टू कंप्लाई विद आरबीआई डायरेक्शन या मेंटेन अकाउंट एज पर आरबीआई रूल्स या सबमिट अकाउंट फॉर इंस्पेक्शन या ऑप्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई अंडर सेक्शन 3. अंडर सेक्शन 3 में क्या था प्रायर अप्रूवल? सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट या कोई भी टाइप का चेंज इन नेम या चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस. तो ये नहीं लिया परमिशन तो आरसी जा सकता है. फिर अग्रीव्ड, अगर आरसी को तकलीफ हो रहा है, अगर वो अग्रीव्ड है आरबीआई के ऑर्डर से, कैंसिलेशन के ऑर्डर से, तो अपील विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ आरबीआई कैंसिलेशन ऑर्डर. एंड ये 30 डेज में कहां पर अपील करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड स्पेसिफिकली बोलू तो सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. एंड एआरसी हुज आरसी इज कैंसिल्ड will still be deemed to be an ARC until it repays the principal and interest to the qualified buyers. ऐसा नहीं बोल सकता कि चल अभी तो मैं ARC हूँ ही नहीं, तेरा पैसा मैं वापस नहीं दूंगा. That is not fair. You will still be deemed to be an ARC. Next, Section 5, acquisition of rights or interest in financial assets. ARCs can acquire rights or interest in any financial asset of any bank or FI by entering into an agreement with that bank or FI and कोई भी mutually agreed terms and conditions के basis पे, या तो by issuing bonds or debentures as consideration along with some terms and conditions. Normally मैंने बोला था ये वाले part में fall होंगे because banks को cash चाहिए and उनको bonds या debentures नहीं चाहिए. फिर लिखा है any document like a transfer agreement for the above executed by a bank or FI in favor of ARC acquiring this financial asset for the purpose of sirf ye do purpose securitization and reconstruction shall be exempt from stamp duty under section 8F of the Indian Stamp Act 1899. Only these two purposes and not any purpose. Fir, effects of transfer of FA. ये अगर transfer हो गया तो क्या effect होगा? तो ARC will become the owner of rights or title in that FA. फिर एक और, एनी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट सूट एक्सेट्रा रिलेटेड टू दैट एफ ए हैविंग बैंक और एफ आई एज अ पार्टी शैल बी डीम्ड टू बी इन द नेम ऑफ एआरसी नाउ. कोई भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जो भी हो अब एआरसी के नाम पे हो जाएगा. सूट्स शैल नॉट अबेट, अपील्स शैल नॉट अबेट और एनी अदर प्रोसीडिंग्स शैल नॉट अबेट. एआरसी शैल फाइल एन एप्लीकेशन एट द डीआरटी, डीआरएटी और कोर्ट, वट एवर द केस इज, फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम. बैंक वर्सेज माल्या है तो अब एआरसी वर्सेज माल्या हो जाएगा, उसके लिए अप्लाई करना है नेम चेंज के लिए.
सेक्शन 5 है ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन टू वन डीआरटी. फॉर एग्जाम्पल अगर जॉइंट फाइनेंसिंग का केस है एंड एक ही सिक्योरिटी है ये घर, किंगफिशर ने अगर एक सिक्योरिटी रखी है एंड दो लेंडर से पैसा लिया है एसबीआई मुंबई एंड पीएनबी दिल्ली एंड बाद में ये लोग ने एआरसी को ये लोन बेच दिया, तो लेट से ये एसबीआई एंड पीएनबी दोनों ने ना डीआरटी में केस फाइल किया था, ठीक है. तो डीआरटी मुंबई में एक केस फाइल हुआ था, डीआरटी दिल्ली में एक केस फाइल हुआ था. अब ये पूरा का पूरा लोन किसने बाय कर लिया है? एआरसी ने. तो डोंट यू थिंक एआरसी को दो जगह नहीं जाना पड़े, उसके बदले वो क्या करेगा, एक ही डीआरटी में ये केस आ जाए ऐसा कुछ करेगा. तो वो क्या करेगा, एआरसी मस्ट फाइल एन एप्लीकेशन एट रिस्पेक्टिव डीआरएटी, मतलब या तो डीआरएटी मुंबई या तो डीआरएटी दिल्ली, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन टू वन डीआरटी आइदर मुंबई या दिल्ली या इट कैन बी एनी. अगर एआरसी चेन्नई का है तो मद्रास में भी ट्रांसफर, मद्रास हाईकोर्ट में सॉरी मद्रास का कोई डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होगा उसमें भी ट्रांसफर करवा सकता है. तो बेसिकली पर्पज यह है कि एक ही डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ये केस चलना चाहिए बोरोवर का. फिर हमने देखा सेक्शन 6 नोटिस टू द ऑब्लाइजर या बोरोवर. तो बैंक या एफआई जो है वो नोटिस देगा के फाइनेंशियल एसेट हैज बीन अक्वायर्ड बाय दिस एआरसी. किसको नोटिस देगा? ऑब्लाइजर को देगा एंड द कंसर्न्ड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जैसे मॉर्गेज रजिस्ट्रार या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार. मॉर्गेज रजिस्ट्रार क्या होता है? तो बेसिकली जब भी कोई चीज गिरवी रखते हैं ना तो वो मॉर्गेज हुआ है ऐसा रजिस्टर करवाना पड़ता है. तो अब ये जो जिसने मॉर्गेज रखा है वो तो सेम ही है, बट जिसके पास मॉर्गेज रखा था बैंक, अब बैंक के बदले एआरसी आ जाएगा. सो यू हैव टू इन्फॉर्म दिस मॉर्गेज रजिस्ट्रार. एंड ये ऑब्लाइजर को क्या करना है? ऑब्लाइजर विल पे ऑल द ऑब्लिगेशन like EMI etc. to the ARC now instead of bank. फिर सेक्शन 9 है मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन. ARC के पास क्या क्या मेजर्स है? तो आंसर था PC REST. उसके पास इतना मेजर्स है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द बोरोवर बाय चेंज और टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट, जैसे नया CEO वगैरह बिठा सकता है. सी से आएगा कन्वर्ट डेट इंटू इक्विटी शेयर ऑफ द बोरोवर कंपनी, अगर कंपनी रहेगा तो ये काम आएगा. R से reschedule the payment of debts, उसको शायद extra time देंगे. E से ESI, enforcement of security interest under section 13, जो हम आगे पढ़ेंगे. S1 sale or lease of whole or part of the borrower's business, या S2 settlement of dues, जैसे agree to forego or cancel some percentage of dues. And T take possession of the secured asset. ये इतना powers ARC के पास है under section 9. Also section 13 भी वो use कर सकता है, यहाँ पर ही लिखा है, ठीक है. Next. Section 10, other functions of the ARC. ARC can become an agent for any bank or FI for recovering dues from the borrowers. It can act as manager as per section 13. जैसे कोई भी secured asset जिसका possession नहीं है ना उसको manage करने के लिए, या तो act as a receiver appointed by a court or tribunal to preserve the assets when a case is on. Okay. ARC which has RC under section 3 shall commence any business other than securitization or reconstruction only with the prior approval of RBI. तो ऊपर वाले जो भी conditions है, ये जो भी businesses है agent, manager, receiver, अगर वो बनना है after getting the RC तो उसको क्या करना है, prior approval of RBI लगेगा. ये section के लिए ARC अपनी subsidiary को include नहीं करेगी. Next. फिर section 11 है resolution of disputes. तो ऐसा लिखा है कि अगर bank, FI, ARC, QB के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, नॉन पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट, इट शैल बी सेटल्ड बाय आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट. ठीक है, टाका बोलते हैं, द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996. सर आर्बिट्रेशन में तो ऐसा लिखा है कि एक अग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होना चाहिए, वरना टाका इज नॉट एप्लीकेबल. तो ओके, सेक्शन 11 बोलता है कि इट इज डीम्ड दैट द पार्टीज हैव ऑलरेडी कंसेंटेड इन राइटिंग दैट दीज डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व यूजिंग आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन. व्हाट इज आर्बिट्रेशन? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, मतलब एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी के पास जाएंगे और ये सेटल करवाएंगे. नेक्स्ट, पावर्स ऑफ द आरबीआई. तो आरबीआई के पास क्या क्या पावर्स है? तो सेक्शन 12, 12A एंड 12B, तीन सेक्शन है पावर के लिए. देखो पहला सेक्शन 12, आरबीआई में गिव डायरेक्शंस रिलेटिंग टू द फॉलोइंग. तो इनकम रिकॉग्निशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, आरटीडी है, कैपिटल एडिक्वेसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल्सो इट कैन गिव डिसीजन, इट कैन गिव डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग. तो क्या क्या है उसमें? चार चीज हमने देखा है, एक्ट में लिखा है चार चीज. ऐसा है कि कौन सा टाइप ऑफ एफ ए कैन बी परचेज, या कौन सा वैल्यू का एफ ए आप परचेज कर सकते हो. ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स इश्यू टू द क्यूबी, क्यूबी को जो तुमने सिक्योरिटी रिसीट दिया है उसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, किसको ट्रांसफर कर सकते हो वगैरह वगैरह. एंड फीस टू बी चार्ज, अगर आप मैनेजर बन रहे हो कोई एसेट का तो क्या फीस चार्ज करना है, वो भी आरबीआई डायरेक्ट कर सकता है. फिर 12A, 12A में ऐसा लिखा है
आरबीआई में डायरेक्ट द एआरसी टू फर्निश एनी स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन, बस इतना ही लिखा है। 12B में लिखा है आरबीआई कैन कैरी आउट और कॉस्ट टू बी कैरीड आउट एनी इंस्पेक्शन और ऑडिट ऑफ एन एआरसी, मतलब इंस्पेक्शन या ऑडिट कोई भी टाइप का आरबीआई खुद करेगा या करवाएगा एंड ऑफिसर्स ऑफ एआरसी मस्ट कोऑपरेट फॉर दैट। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट ऑडिट या इंस्पेक्शन इफ इट कंक्लूड्स कि ये जो धंधा हो रहा है इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और क्वालिफाइड बायर्स, तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे, वो क्या दो चीज कर सकता है। तो फर्स्ट है इट कैन रिमूव अ चेयरमैन और डायरेक्टर और इट कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर इन एआरसी, या तो वो क्या करेगा अपॉइंट करेगा एनी ऑफ इट्स ऑफिसर एज एन ऑब्जर्वर ऑन द एआरसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, रिमूव करने वाला ना चेयरमैन या डायरेक्टर तो रॉबिन हुड देना पड़ेगा मैंडेटरी। नेक्स्ट, सबसे बड़ा सेक्शन सेक्शन 13। सेक्शन 13 एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन टोपा, टोपा को साइड में रख दो, अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैन बी एनफोर्स्ड और एक्सरसाइज विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर आपको कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाना है तो आरटीडी बीएफआई एक्ट में आपको जाके उसको सू करना पड़ेगा, बट विदाउट कोर्ट सेटलमेंट करना है तो कम योर एंड एनफोर्स योर सिक्योरिटी इंटरेस्ट। कैसे करना है, बोरोअर डिफॉल्ट करेगा उसका अकाउंट एनपीए होगा। सर एनपीए डेट सिक्योरिटीज में हो सकता है क्या? नहीं, इसके लिए एनपीए के बाद लिखा है एक्सेप्ट अगर डेट सिक्योरिटीज के थ्रू बोरोअर ने फंड्स रेज किया है तो एनपीए का रूल जो है, एनपीए का जो कंडीशन है दैट विल बी फॉर अदर देन डेट सिक्योरिटीज। ओके, अब क्या करना है, डिफॉल्ट हुआ एनपीए हुआ तो सिक्योर्ड क्रेडिटर मस्ट सेंड अ 60-day नोटिस टू द बोरोअर इन राइटिंग आस्किंग टू रीपे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। बोरोअर 60 डेज के अंदर अगर रीपे करता है तो ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो क्या तीन चीज हो सकता है, अगर उसने रीपे कर दिया तो जादू हो गया, मिरेकल हो गया। अगर उसने रीपे नहीं किया तो क्या होगा, creditor can enforce the security interest using the four methods under section 13, ये वाले section में जो लिखे है वो। अगर उसने representation या objection या opposition लिया तो creditor के पास option है, या तो accept करो and accept किया तो you can act accordingly, अगर reject किया तो communicate the reasons, जो भी है सब कुछ करना है within 15 days from receiving these objections or representations। sir अगर creditor का reason borrower को पसंद नहीं आया rejection का तो borrower कुछ कर पाएगा? answer is no, borrower cannot file an application at DRT or court against the creditor's action or reply received after it made objections। फिर चार method क्या क्या है ये enforcement of security interest के लिए, तो चार method ये है, पहला take possession of secured assets, second take over the management of the business of borrower, फिर है appoint a manager to manage those secured assets जिसका possession यहाँ पर first point में लिया गया है, या require any person who purchased the secured asset from the borrower and owes money to the borrower to pay to the secured creditor directly। ये इसका हम example भी लेंगे नीचे वाले केस में। ये जो था take possession या take over the management, उसमें ऐसा लिखा है along with the right to transfer this secured asset, for example उसको बेच दो या लीज पे दे दो, ये भी राइट आपको मिलता है। फिर हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर किंगफिशर का वेयरहाउस रेंटिंग का बिजनेस है और 5 crore का लोन उसने SBI से लिया था बाई कीपिंग 5 warehouses collateral, सिद्ध माल्या purchased one of those warehouses and now he owes 1 crore to किंगफिशर एंड डिफॉल्ट पूरा का पूरा 5 crore का अगर हुआ तो SBI क्या चार वेज यूज कर सकता है। पहला, इट कैन टेक पोजेशन और कंट्रोल ऑफ 4 warehouses, क्यों चार, क्योंकि एक सिद्ध माल्या लेके गया एंड इट कैन सेल इट और गिव दोज ऑन लीज। सेकेंड है उसके पास ऑप्शन है टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ किंगफिशर्स वेयरहाउस रेंटिंग बिजनेस, इसका वो टेक ओवर कर सकता है मैनेजमेंट, या तो अपॉइंट मैनेजर टू मैनेज दोज 4 warehouses जिसका पोजेशन फर्स्ट पॉइंट में लिया है, या इट कैन रिक्वायर सिद्ध माल्या टू पे 1 crore डायरेक्टली टू SBI एंड नॉट टू किंगफिशर। सेकेंड पॉइंट जो है ना उसमें दो रूल्स आपको याद रखना है, टेक ओवर मैनेजमेंट जो था ना उसमें फर्स्ट रूल ये है कि राइट टू ट्रांसफर शैल बी एक्सरसाइज ओनली इफ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बोरोअर्स बिजनेस वॉज हेल्ड एज सिक्योरिटी। जैसे अगर 8 warehouse थे उसके धंधे में तो 5 सिक्योरिटी थे तो ही आपके पास राइट है कि आपने अगर ये मैनेजमेंट टेक ओवर कर दिया तो आप ये वेयरहाउस बेच पाओगे। एंड नेक्स्ट है ऑल्सो इफ द बिजनेस इज सेवरेबल या सेपरेबल, जैसे वेयरहाउस प्लस एयरलाइन का बिजनेस है तो जो वेयरहाउस अगर सिक्योरिटी रखा तो SBI कैन टेक ओवर द मैनेजमेंट ओनली ऑफ द वेयरहाउस बिजनेस एंड नॉट ऑफ द एयरलाइन बिजनेस। फिर अगर डिबेंचर्स के केस है तो क्या होगा, हु कैन एनफोर्स द सिक्योरिटी इंटरेस्ट व्हेन अ बोरोअर डिफॉल्ट्स ऑन डिबेंचर्स, तो आंसर है डिबेंचर ट्रस्टी, जो सेफगार्ड करता है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट। ये डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा, ESI को एक्सरसाइज करेगा, मतलब अगर डिबेंचर सिक्योर्ड थे तो वो सिक्योर्ड एसेट का पोजिशन ले लेगा डिबेंचर ट्रस्टी या टेक ओवर मैनेजमेंट एंड सो ऑन।
फिर अपन ने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, न्यूमेरिकल एग्जांपल फटाफट देखेंगे। उसके पहले एक पॉइंट याद रख लो, नीचे ऑप्शन होने वाला है, जस्ट 1 मिनट। ओके, याद करो एक ऑक्शन होने वाला है, तो ऑक्शन का फीस है ना 2% ऑफ सेल्स रखा है, एंड न्यूज़पेपर में ऐड देने का कॉस्ट 5,000 है, और ये एक वेयरहाउस बेचने चला है एसबीआई। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कैन एन ऑफिसर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब एसबीआई का ऑफिसर बेच सकता, बिड कर सकता है? तो आंसर है यस, ही कैन ऑल्सो बाय दिस वेयरहाउस। अगर एसबीआई ने 1 करोड़ दिया था ये वेयरहाउस के अगेंस्ट, एंड वेयरहाउस को बेच दिया है फॉर 99 लाख ओनली, तो कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे? तो देखो, पहले टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसिस और चार्जेस, ये बेचने के लिए जो भी एक्सपेंसिस हुए, जैसे 2% ऑफ 99 लाख एंड 5,000 ऐड का, 2,03,000 को पहले इसमें से हटाओ, तो 99 लाख जो रिसीव हुआ उसमें से 2,03,000 हटा दो, दीज आर टुवर्ड्स योर कॉस्ट्स। तो ये जो 96,97 बचा, दैट इज टुवर्ड्स योर लोन रीपेमेंट। ठीक है, तो मतलब और भी बचा है रीपे, और भी रिकवर करने का बाकी है। सर, अगर और भी रिकवर करने का बाकी है और सरफेसी का सारा मेथड हमने यूज कर लिया और कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या करने का? गो एंड अप्लाई एट डीआरटी और द कोर्ट टू रिसीव इट। फिर व्हाट इफ द सिक्योर्ड एसेट वर सोल्ड एट अ हायर वैल्यू, अगर 125 लाख मिला था इंस्टेड ऑफ 99 लाख, तो क्या करने का? तो खर्चा निकालो, अपना लोन का अमाउंट निकालो, जो भी एक्सेस बचा वो अपन बोरोवर को रिटर्न कर देंगे। अगर ऑक्शन हो रहा है तो उसका ना नोटिस पब्लिकेशन, नोटिस का पब्लिकेशन करना पड़ता है। व्हाट इफ द बोरोवर रीपेज द होल अमाउंट एट एनी टाइम बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द ऑक्शंस नोटिस, अगर ये नोटिस के पहले अगर उसने बेच दिया तो क्या होगा? तो क्रेडिटर कैन नॉट ट्रांसफर दिस एसेट। सर, अगर उसने कोई भी स्टेप ले लिया होगा, एनी स्टेप फॉर ट्रांसफर, देन नो फर्दर स्टेप मस्ट बी टेकन। कोई भी टाइप का, जैसे फॉर एग्जांपल एड कल के कल पब्लिश होने वाला है, मैंने आज के आज कॉपी भेज दिया, अगर कल पब्लिश हो गया तो मुझे ऑक्शन होल्ड नहीं करना है, बिकॉज मुझे मेरा पैसा मिल गया। कैन द बोरोअर सेल द सिक्योर्ड एसेट आफ्टर रिसीविंग द नोटिस ऑफ ट्रांसफर और सेल ऑफ दैट एसेट बाय द क्रेडिटर? एसबीआई अब इसका एसेट बेचने जा रहा है, तो उसने नोटिस भेजा है बोरोअर को, तो क्या बोरोअर अभी भी बेच सकता है? तो आंसर है नॉट विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ क्रेडिटर। अगर ये बोरोअर को हायर सेलिंग प्राइस मिलता रहेगा तो क्रेडिटर क्या बोलेगा कि हाँ, मैं तेरे को अलाउ करता हूँ ऑन वन कंडीशन, कि तू पहले मुझे मेरा पैसा रीपे कर देगा। ओके, नेक्स्ट, जॉइंट फाइनेंसिंग का अगर केस है, जॉइंट फाइनेंसिंग में क्या होगा? किंगफिशर ने लोन लिया है, एक वेयरहाउस गिरवी रख के 10 करोड़ का लोन है, 3 अलग अलग बैंक से, एसबीआई, पीएनबी, कोटा। क्वेश्चन है, देर आर 4 मेथड्स टू एनफोर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अगर एसबीआई को फर्स्ट मेथड यूज करना है, पीएनबी को सेकंड मेथड यूज करना है, तो क्या होता है? तो रूल ऐसा है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैन एक्सरसाइज एनी मेथड फॉर विच टोटल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होल्डिंग एटलीस्ट 60% इन वैल्यू ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग अग्री। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक बैंक ये यूज करेगा, एक बैंक वो यूज करेगा, 60% इन वैल्यू वालों ने जो बोला वो होगा। सर, ये 60% इन वैल्यू जो है वो कौन से डेट पे देखना है? इट विल बी सीन एट अ रिकॉर्ड डेट। सर, रिकॉर्ड डेट क्या होता है? रिकॉर्ड डेट वो डेट है जो दिन पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होल्डिंग एटलीस्ट 3/4 वैल्यू अगर अग्री करते हैं कि ये रिकॉर्ड डेट है, तो वो रिकॉर्ड डेट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट। फिर एक क्वेश्चन है कंपनीज एक्ट और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ऊपर, अगर बोरोवर जो है वो कंपनी है एंड इट इज गेटिंग लिक्विडेटेड, तो कंपनीज एक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा, एंड अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर को एनफोर्स करना है अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट, देन इट कैन रिटेन द सेल्स प्रोसीड्स ओनली आफ्टर डिपॉजिटिंग द वर्कमैन्स ड्यूज विद द लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी। तो लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी को पहले ना वर्कमैन का ड्यूज मिलना चाहिए, उसके बाद ये सिक्योर्ड क्रेडिटर अपना पैसा लेके जाएगा। सर, अगर कम पड़ा पैसा तो डोंट वरी, वाइंडिंग अप में आगे उसको मौका मिलने वाला है, उसको भी अपना पैसा मिलने वाला है, उसका राइट है उसके पास। या एक और ऑप्शन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जाने का, बट सरफेसी जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है, इंसॉल्वेंसी थोड़ा हार्ड है, बिकॉज इंसॉल्वेंसी में कंपनी लिक्विडेट भी हो सकता है। ओके, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का एक क्वेश्चन है कि अगर ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उसने एनफोर्स किया अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सरफेसी और 70% रिकवर कर दिया, तो अब 30% के लिए क्या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में उसको मौका मिलेगा अगर ये बोरोवर लिक्विडेट हो गया अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड? तो आंसर है यस, कुछ भी करो आपको आपका पैसा मिलने का मौका मिलने ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल वो कंपनीज एक्ट में वाइंडिंग अप हो या वो लिक्विडेशन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो, आपको आपका पैसा जो 30% बाकी है उसका राइट है। अगर कंपनी के पास अगर उतना फंड रहा आफ्टर सेलिंग द एसेट्स, तो डेफिनेटली यू कैन रिकवर। फिर सेक्शन 14 है, अगर कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर को पोजेशन लेना है कोई भी एसेट का, तो सीएमएम या डीएम उसको असिस्ट करेगा। द क्रेडिटर हु विशेस टू टेक पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट मस्ट रिक्वेस्ट द सीएमएम और डीएम
within whose jurisdiction the asset is situated in writing. तो ये CMM या DM क्या करता है, उसके पास maximum 60 days है, original 30 days plus extend up to maximum more 30 days. Within 60 days वो possession लेगा and वो asset forward कर देगा secured creditor को. फिर Section 15, manage and manner and effect of takeover of management under Section 9 as well as Section 13. कैसे ये management को takeover करना है? तो देखो, एक newspaper में ad publish करना पड़ेगा या notice publish करना पड़ेगा. कौन करेगा? तो जो ये management takeover कर रहा है, secured creditor. दो newspaper में, एक English newspaper और एक local language की newspaper में. कौन सा local language? तो जहाँ पर borrower का registered office located है, वहाँ पर. And उसके साथ साथ वो क्या करेगा, अपॉइंट करेगा डायरेक्टर्स अगर वो बोरोवर कंपनी है तो, या तो एडमिनिस्ट्रेटर्स अगर वो बोरोवर नॉन कंपनी है तो. मतलब मैनर सिंपल है, नोटिस पब्लिश करो न्यूज़पेपर में एंड सीधा सीधा डायरेक्टर्स वगैरह अपॉइंट कर लो. बट इफेक्ट्स बहुत सारा है. तो पहला इफेक्ट ये है, ऑन पब्लिकेशन ऑफ नोटिस जितने भी डायरेक्टर्स थे वो कंपनी में, या कंट्रोलर्स थे, डायरेक्टर अगर वो बोरोवर कंपनी है तो, कंट्रोलर अगर बोरोवर कंपनी नहीं है तो, इमीडिएटली बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस वो लोग क्या हो जाएंगे, दे विल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड या क्विट देयर ऑफिस. सिमिलरली ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजमेंट बिटवीन द बोरोवर एंड इट्स डायरेक्टर्स और मैनेजर्स जो इमीडिएटली बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस एंटर किया था, वो भी क्या हो जाएगा, इट शैल बी डीम्ड टू बी टर्मिनेटेड. इसके अलावा और तीन मेजर इफेक्ट है, अगर कंपनीज एक्ट MOA और AOA को अनदेखा कर दे, मतलब कि इग्नोरिंग दीज थ्री, तो नो शेयर होल्डर्स और एनी पर्सन कैन अपॉइंट और नॉमिनेट अ पर्सन एज अ डायरेक्टर. एंड सेकंड और थर्ड पॉइंट में एक चीज कॉमन है कि सेकंड और थर्ड पॉइंट अगर आपको करना है तो कंसेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर लगेगा. क्या है ये, तो नो रेजोल्यूशन पास दैट एनी शेयर होल्डर मीटिंग शैल बी गिवन एनी इफेक्ट. बट अगर देना है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का आप कंसेंट ले लो. एंड नो प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप और अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर फॉर वाइंडिंग अप शैल लाई एट एनी कोर्ट. कोई भी कोर्ट में वाइंडिंग अप का प्रोसीडिंग नहीं जाएगा, बट अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोला चलेगा तो चलेगा. नेक्स्ट पॉइंट, द सिक्योर्ड क्रेडिटर except the one holding controlling interest due to conversion of debt into borrower's equity must restore the management on full realization of debt. मतलब मैं normal creditor हूँ, मेरा debt realize हो गया तो मुझे क्या करना है, ये पूरा का पूरा management को restore करना है. but अगर मैं controlling interest holder बन गया, मैं owner बन गया company का, तो आप management में खुद ही decide करूँगा, तो I don't have to restore it. सेक्शन 16, नो कॉम्पेंसेशन टू द डायरेक्टर्स फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. सी फ्लू हमने देखा था, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. तो ऐसा है कि नो एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर और एनी पर्सन इन चार्ज आर एंटाइटल्ड टू एनी सी फ्लू और एनी कॉम्पेंसेशन फॉर प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस. सर ये जो सेक्शन 16 है वर्सेज कंपनीज एक्ट हुआ तो कोई बात नहीं, सेक्शन 16 विल ओवरराइड एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर लॉ. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, कोई भी लॉ में कुछ भी लिखा हो, सीफ्लू नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा. तो कैन ही क्लेम अंडर कंपनीज एक्ट, द आंसर इज नो. बट सिर्फ सीफ्लू के लिए है, तो अगर वो अरियर्स ऑफ सैलरी वगैरह क्लेम कर रहा है, परक्यूजिट क्लेम कर रहा है, तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम. फिर सेक्शन 17 है, एप्लीकेशन अगेंस्ट द मेजर्स टू रिकवर सिक्योर्ड डेट्स. सिक्योर्ड क्रेडिटर ने ऐसा कोई भी कांड किया और उसके अगेंस्ट अगर आपको एप्लीकेशन फाइल करना है तो यू कैन फाइल इट. देखो, एनी अग्रीव्ड पर्सन जैसे सिद्ध माल्या और एनी बोरोवर कैन फाइल एन एप्लीकेशन एट द डीआरटी अगेंस्ट द एक्शन टेकन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर अंडर सेक्शन 13. कभी, कितने टाइम में, तो विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्शन. कहां पे करना है, कौन से डीआरटी में, तो जहां पे ये एक्शन कॉज हुआ था, या तो जहां पे ये एसेट लोकेटेड था, या तो जहां पर ये बैंक का ब्रांच था, कोई भी डीआरटी में आप फाइल कर सकते हो. फिर इफ डीआरटी कंक्लूड्स दैट द मेजर्स और एक्शंस ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद सरफेसी, तो वो क्या करेगा, इट विल डिक्लेयर दैट एक्शन एज इनवैलिड. इट विल ऑर्डर टू रीस्टोर द पोजेशन ऑफ एसेट और मैनेजमेंट ऑफ एसेट टू द बोरोवर और एनी अग्रीड पर्सन जिसने ये अप्लाई किया रहेगा. बेसिकली एप्लीकेंट के हाथ में रीस्टोर हो जाएगा एंड एनी अदर डायरेक्शन और ऑर्डर जैसे डैमेजेस वगैरह किसी को रिकवर करना है तो वो भी हो सकता है. नेक्स्ट, टाइम लिमिट क्या है, तो डीआरटी बहुत ही लेजी है, पहले उसको टाइम लिमिट दिया है 60 डेज में एक्सपेडिशियसली, मतलब एज सून एज पॉसिबल करना है. 60 डेज कहां से, तो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. 60 डेज में नहीं हुआ तो क्या एक्सटेंड कर सकता है, हाँ, फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग. बट एक्सटेंडेड पीरियड एंड 60 डेज मिला के इट शुड बी अप टू 4 months, मतलब इट कैनॉट एक्सीड 4 months. अगर 4 months में भी नहीं हुआ तो क्या करना है, एनी पार्टी कैन अप्लाई टू इट्स सीनियर, मतलब के DR80 में जाएगा एंड DR80 विल डायरेक्ट द DRT टू डिस्पोज इट एक्सपेडिशियसली. मतलब बेसिकली टाइम लिमिट का पूरा धज्जिया उड़ा दिया यहां पर. फिर सेक्शन 18 है, अपील.
अगर डीआरटी के अगेंस्ट अगर आपको जाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डीआरएटी. ओके. एनी पर्सन अग्रीड बाय द डीआरटी इज ऑर्डर अंडर सेक्शन 17 कैन अपील एट डीआरएटी विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ डीआरटी इज ऑर्डर. ओके. ये 30 डेज के अंदर डीआरएटी में चला जाएगा, बट डीआरएटी विल एंटरटेन द अपील ओनली इफ 50% ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम द बोरोवर एज क्लेम्ड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर और एज डिटरमाइंड बाय द डीआरटी whichever is lower, ये दोनों में से whichever is lower का 50% क्या करना है, उसको deposit करना है with the DRAT. कौन करेगा? ये borrower. Agreed person का बात नहीं कर रहे, only borrower अगर appellant है तो borrower को ये deposit करना है. सर अगर borrower को genuine hardship वगैरह हुआ रहेगा तो for reasons in writing 50 के बदले 25% उसको कर सकते. Next. All matters or appeals under section 17 and 18 कैसे conduct करना है या कौन सा procedure use करना है, RDD BFI Act का. स्पेशल केसेस फॉर borrowers residing इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में अगर है तो सेक्शन 17A है एप्लीकेशन के लिए एंड सेक्शन 18B है फॉर अपील. सेक्शन 17A जो है इट इज सेम एज सेक्शन 17, खाली उसमें आपको एप्लीकेशन जो है वो कहां पर फाइल करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन borrowers लोकल jurisdiction, borrower के लोकल जो एरिया है उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंड नॉट द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल. सिमिलरली अपील है तो डीआरएटी के बदले हाई कोर्ट having jurisdiction over the district court वहाँ पे फाइल करना है. एंड यहाँ पर भी 50% 25% का फीस जो है ना वो वाला रूल भी एप्लीकेबल होगा. ओके. तो डीआरएटी हो या हाई कोर्ट हो, ये फीस तो उनको भरना ही पड़ेगा. नेक्स्ट. फिर एक एनबीएफसी का पॉइंट था फॉर आईसीआई केस स्टडीज. सरफेसी विल अप्लाई टू दोज एनबीएफसीज जिसके पास एसेट्स है 500 करोड़ और मोर के लिए एंड एनबीएफसीज कैन इनवोक सरफेसी ओनली फॉर केसेस ऑफ मोर देन 1 करोड़. प्लीज साइन में ध्यान रखना, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़ है एंड यहाँ पर मोर देन 1 करोड़. तो ऐसा कोई लोन जो 90 लाख का है क्या वो एआरसी को बेच पाएगा? तो आंसर इज नो, वो नहीं बेच पाएगा. ओके. नेक्स्ट. सेक्शन 18C राइट टू लॉज अ केवियट. उसके पहले केवियट का मतलब समझना पड़ेगा. केवियट का मतलब है इट इज अ नोटिस दैट सर्टन एक्शंस मे नॉट बी टेकन विदाउट इन्फॉर्मिंग द केवियटर. एग्जांपल, कोर्ट कैन पास एन ऑर्डर विदाउट गिविंग द केवियटर अ नोटिस. सॉरी, ये कांट था, डोंट मिस दिस, ये नोट्स में करेक्शन कर लेंगे. कोर्ट कांट पास एन ऑर्डर विदाउट गिविंग द केवियटर अ नोटिस दैट अ केस इज फाइल्ड इन विच द केवियटर हैज इंटरेस्ट. मतलब केवियटर वो है जिसने एक नोटिस फाइल किया है कि भाई अगर सामने वाला बंदा ये एप्लीकेशन या अपील फाइल करता है तो प्लीज मेरा भी सुनना. इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर. ओके. क्या क्या प्रोसीजर है तो देख लो. फर्स्ट पॉइंट, फाइलिंग ऑफ केवियट. वेर एन एप्लीकेशन और अपील इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड या हैज बीन मेड, मतलब पास्ट और फ्यूचर, अंडर सेक्शन 17, 17A, 18 या 18B, मतलब ऊपर के चार सेक्शन का ही बात हो रहा है, द सिक्योर्ड क्रेडिटर और एनी पर्सन क्लेमिंग अ राइट टू अपियर बिफोर द डीआरटी, डीसी, डीआरएटी और एचसी में लॉज अ केवियट. ये लोग केवियट फाइल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सिद मालिया वर्सेज एसबीआई का एग्जाम्पल है. एसबीआई ने अगर सिद मालिया का पोजेशन, जो एसेट था उसका पोजेशन लिया है इलीगली, तो सिद मालिया अपने को पता है क्या करेगा, सेक्शन 17 में डीआरटी के पास जाएगा. तो एसबीआई को अगर वो पता चल गया तो एसबीआई क्या करेगा, एक केवियट फाइल कर देगा. तो देखो, पहला पॉइंट है नोटिस ऑफ केवियट. जस्ट वन सेकेंड. नोटिस ऑफ केवियट. केवियटर मतलब के हु फाइल्स अ केवियट. फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई serves a notice that caveat is filed. And ये notice कैसे serve करेगा? RPAD, Registered Post Acknowledgement Due से, मतलब ऐसा post जिसमें आपको सामने थप्पा stamp करके acknowledgement भी मिले for a proof. ये notice किसको देना है? To the person who has or will file an application or appeal, मतलब के सिद्ध माल्या को ये notice देना है कि भाई मैंने ना caveat file कर दिया. ठीक है. फिर ये वाला पॉइंट पढ़ो पहले. व्हेन द एप्लीकेंट और एपेलेंट रिसीव्स द नोटिस फ्रॉम केवियटर, मतलब ये पॉइंट के बाद सिद्ध माल्या को क्या करना है, तो दैट एप्लीकेंट और एपेलेंट मतलब के सिद्ध माल्या मस्ट सेंड द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन और अपील अलोंग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड टू सपोर्ट दैट एप्लीकेशन और अपील. किसको ये भेजेगा? अपील का कॉपी और डॉक्यूमेंट्स किसको भेजेगा? केवियटर मतलब के एसबीआई को, ताकि एसबीआई क्या करे, उसके अगेंस्ट कुछ अपोजिशन में जो भी पॉइंट्स बोलने हो वो बोल पाए. एंड ये डीआरटी डीआरटी वगैरह का भी ड्यूटी बनता है दैट इफ एन एप्लीकेशन और अपील इज फाइल्ड आफ्टर द केवियट वाज फाइल्ड. केवियट आज फाइल किया, एप्लीकेशन कल फाइल हुआ, तो ये डीआरटी वगैरह जिधर भी ये एप्लीकेशन या अपील फाइल हुआ है, दे मस्ट सर्व अ नोटिस कि भाई ये एप्लीकेशन या अपील फाइल हुआ है. किसको नोटिस देने का? एसबीआई को, क्योंकि वो केवियटर है. ओके. सर ये केवियट जो है वो लाइफ टाइम वैलिड है क्या? तो आंसर इज नो, इट इज नॉट लाइफ टाइम वैलिड. उसका वैलिडिटी है 90 डेज का.
90 डेज फ्रॉम फाइलिंग इट। तो अगर एप्लीकेशन या अपील 90 डेज में फाइल हो गया तो इट इज वेरी मच यूजफुल, नहीं हुआ तो वापस उसको आप न्यू केवीएट फाइल कर सकते हो। ओके, लास्ट सेक्शन, सेक्शन 19, इसके बाद से सारे सेक्शन ओमिट कर दिए है आईसीए ने। सेक्शन 19, राइट ऑफ द बोरोवर टू रिसीव कॉम्पेंसेशन। तो देखो, इफ डीआरटी डीआरएटी डीसीएचसी कंक्लूड that the possession of secured assets taken by the secured creditor is not in accordance with SARFAESI, मतलब याद करो under section 17 जो application किया था ना उसका बात हो रहा है। If the possession is not in accordance with SARFAESI, then the borrower or aggrieved applicant is entitled to compensation and costs as determined by these DRT, DRAT, DC and HC. Okay, ये था पूरा का पूरा SARFAESI Act का revision।